नमस्कार दोस्तों, बाजार की खबर में आज आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, बाजार में आई तेजी की सबसे बड़ी वजह को आज हम जानने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ मूडीज एनालिटिक्स की तरफ से भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है बाजार को लेकर, तो उसे भी जानते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और जिस प्रकार की तेजी आज आपको बाजार में देखने को मिली है, इसी प्रकार की तेजी आपको सोमवार के दिन भी क्या बाजार में देखने को मिल सकती है, सारी चीजों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज सेंसेक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज जब सेंसेक्स ओपन हुआ तो उसमें आपको कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन कुछ समय बाद ही, यानी कि मॉर्निंग सेशन को अगर हम छोड़ दें तो मॉर्निंग सेशन के बाद ही आपको बाजार में वापस एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। और उस तेजी की वजह भी इतनी बड़ी है कि यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर वो स्टेटमेंट निकल कर आया है जिसके कारण ये तेजी बनी है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स ने मॉर्निंग सेशन के बाद में ही वापस बुलिश रूप अपना लिया था और वापस ये बढ़ने की तरफ स्टार्ट हो गया था। और अगर आप आज सेंसेक्स की क्लोजिंग देखेंगे तो सेंसेक्स आज 49,858 रुपए पर क्लोज हुआ है, यानी कि लगभग 1.5% की तेजी आज आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिली है। और अगर मैं पॉइंट्स में बात करूं तो लगभग 641 पॉइंट्स की तेजी आज आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिली है। इसी के साथ अगर निफ्टी 50 की भी बात करते हैं तो निफ्टी 50 के अंदर भी आज आपको लगभग 1.30 यानी कि 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल मार्केट में अगर मॉर्निंग सेशन की बात करें तो बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स सभी के अंदर गिरावट थी। और उसके पीछे की जो वजह थी वो हमने कल भी आपके साथ शेयर करी थी, क्योंकि COVID-19 के केसेस जो तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, इंडिया के अंदर तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति हो गई है, नागपुर में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके अलावा पुणे की बात कर लें या फिर MP की बात कर लें, सभी स्टेट में यहाँ पर अलर्ट है, नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो गए हैं, जिसके कारण आपको कल भी मार्केट क्रेश होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आज मॉर्निंग सेशन के बाद आपको मार्केट में एक बूम देखने को मिला है, एक बूस्ट देखने को मिला है। तो आइए उस बूस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो वजह है वो है बॉन्ड यील्ड। जी हाँ दोस्तों, बॉन्ड यील्ड के अंदर आज आपको लगभग 1.90% की गिरावट देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट आपको इक्विटी बाजार के अंदर भी देखने को मिला है, यानी कि इंडियन मार्केट के ऊपर भी। अगर आपको याद हो तो हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें हमने आपको मार्केट के 3 सेंटीमेंट्स बताए थे जिस पे मार्केट डिपेंडेंट रहता है। सबसे पहली वजह बताई थी हमने आपको बॉन्ड यील्ड्स। अभी कुछ दिनों से बॉन्ड यील्ड्स के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही थी, जिसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल रहा था, यानी कि इंडियन मार्केट आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत टूटता हुआ, यहाँ पर डाउनवर्ड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसके पीछे की वजह यही थी क्योंकि बॉन्ड यील्ड कंटिन्यूसली अपने हाई लेवल पर चल रहा था। और इसी के साथ अगर आज का आप बॉन्ड यील्ड का टारगेट देखेंगे तो आज बॉन्ड यील्ड के अंदर लगभग 1.90% की गिरावट देखने को मिली है। और इसी कारण से आज आपको शेयर मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है, ये भी एक उसकी वजह है। चलिए दोस्तों, अब दूसरी बड़ी वजह की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पर लाइव मार्केट, यानी कि जिस टाइम मार्केट का ट्रेडिंग सेशन चल रहा था, जब मार्केट चल रहा था तभी ये न्यूज़ निकल कर आई है। और इस न्यूज़ का इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है कि यदि आप कुछ शेयर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि अडानी पावर की अगर बात करता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आज आपको 70 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स भी आज बहुत नीचे तक चला गया था, यानी कि 289 रुपये का उसने लो बनाया, लेकिन उसके बाद भी उसमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को आपको मिली है। तो इस सारा जो भी आपको मार्केट के अंदर आज इतनी तेजी देखने को मिली है, उसकी सबसे बड़ी वजह को जानते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है मूडीज एनालिटिक्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें लिखा है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 7.1% इन 2020, इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इंडिया की जो GDP थी, इज लाइकली टू ग्रो अप 12% इन 2021, यानी कि इंडिया की GDP जो कि 2020 के अंदर 7% तक डाउनफॉल चली गई थी, यानी कि 7% तक गिर गई थी, लेकिन उसी को यहां पर 2021 में 12% तक की तेजी की उम्मीद है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया को इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और यहां पर इंडिया वापस अपने सारे अनएम्प्लॉयमेंट को और इन सारी चीजों को करने में कम करने में यहां पर साकार होगी। आगे इसमें लिखा है,
हिट बाय द कोविड 19 पेंडेमिक एंड द सब्सिक्वेंट नेशन वाइड लॉकडाउन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 24.4% इन अप्रैल टू जून 2020, यानी कि अप्रैल से जून 2020 के अंदर लगभग 24% की इकोनॉमी यहां पर गिरी थी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, यानी कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखेंगे आप, तो उसमें इकोनॉमी 7.3% यहां पर डाउनफॉल हुई थी। लेकिन इसी के साथ ये सिर्फ इंडिया की लेवल की बात नहीं हो रही है, अगर आप ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का मार्केट भी देखेंगे तो आपको सभी मार्केट के अंदर इकोनॉमी गिरती हुई दिखी थी। लेकिन इंडिया के मार्केट में आपको उसका ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए देखने को मिला था क्योंकि इंडिया के अंदर लॉकडाउन काफ़ी समय तक था, जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट्स के ऊपर देखने को मिला था, हमारी इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिला था, हमारी GDP के ऊपर देखने को मिला था। और उसी को लेते हुए यहाँ पर जब आप थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर की इकोनॉमी देखेंगे, तो वो यहाँ पर 0.4% तक की राइजिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि हमने वापस अपवर्ड का यहाँ पर ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो ये मूडीज एनालिटिक्स का आज लाइव सेशन के दौरान यहाँ पर स्टेटमेंट आए हैं, जो इनकी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, उसी के कारण यहाँ पर मार्केट में आज इतनी तेजी बनी है। आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड दिसंबर क्वार्टर GDP ग्रोथ 0.4% हैज टर्न इंडिया नियर टर्म प्रोस्पेक्ट्स मोर फेवरेबल न्यूज एजेंसी PTI कोटेड मूडीज एनालिटिक्स एस सेइंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी GDP थी, जो यानी कि लास्ट अगर 2020-21 के फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर को आप देखेंगे तो बहुत ख़राब हमारी GDP का परसेंटेज यहाँ पर हो गया था, लेकिन अगर आप उसे थर्ड क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी में आगे लिखा है रिसेंटली द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैड सेड इट एक्सपेक्ट्स इंडियाज़ GDP ग्रोथ टू बाउंस शार्पली टू 12.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर आपको जो इंडिया की GDP है उसके अंदर लगभग 12.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की अगर GDP 12.6% से अगर ग्रोथ करती है, 12.5% से अगर ग्रोथ करती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस कंट्री के अंदर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कितने अच्छी स्टेप्स उठाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी में आगे लिखा है मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड व्हाइल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ फोरकास्टेड एज 10.5% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। द इकोनॉमिक सर्वे एस्टिमेटेड इट एट 11%, यानी कि अलग अलग टारगेट निकल कर आए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम टारगेट देखें तो 10% की तेजी तो आपको 2022 के अंदर देखने को मिली सकती है इकोनॉमी में, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है। और अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा, सेंसेक्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा। सेंसेक्स आने वाले टाइम में अपने 55,000 के टारगेट को भी बहुत जल्दी अचीव करता हुआ दिखाई देगा, अगर मार्केट में ऐसी ही पॉजिटिव न्यूज़ आती रही तो। उसी में आगे लिखा है मूडीज एनालिटिक्स से डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल डिमांड हैव बीन इम्प्रूविंग सिंस the easing of lockdown restriction and added the private consumption and non-residential investment will pick up over the next few quarters and strengthen domestic demand revival in 2021। जैसा कि आपको पता है कि जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद से एक्सपोर्ट्स पूरी तरीके से बंद हो गया था और जितने भी इन ह्यूमंस थे इंडिया के, वो यहाँ पर डोमेस्टिक के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, यानी कि घरेलू चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, जिसके कारण हमारे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और अगर ऐसा ही हुआ तो 2021 के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रेज हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे बड़ी वजह ही यही बनी है आज के मार्केट की तेजी की। सबसे पहली वजह तो हमने आपके साथ शेयर करी कि बॉन्ड यील्ड के अंदर आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट के ऊपर भी देखने को मिला है। और सेकंड जो बड़ी वजह निकल कर आई है वो है मूडीज एनालिटिक्स की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आया है वो लाइव ट्रेडिंग सेशन के दौरान, तो उस ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरी डिटेल्स, पूरी एनालिसिस समझ आ गई होगी। उसी के साथ मार्केट में अप डाउन चलता रहता है, जैसे कि हमने हर बार की तरह आपको बताया है, तो आपको मार्केट को हर चीज़ को अडॉप्ट करना आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर सिचुएशन को अडॉप्ट करना आना चाहिए, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें
एक्सप्लेन डिटेल में करता रहता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ सके। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।